जिस बदनामी को तुमने गले लगाया है वो तुम्हारे तर्कों से मिटाया ही नहीं जा सकता। तुम्हें बाकी बातों का तो ख्याल रहा लेकिन अपने पिता के सम्मान और इज्जत का ख्याल नहीं रहा। आप लोग इज्जत और सम्मान की बात कर रहे हैं लेकिन मैंने सोनाली से शादी इंसानियत और प्यार को बचाने के लिए की। अगर आप चाहती हैं कि इस घर में मैं अपने कदम जमाने में कामयाब हो जाऊं, तो हमें किसी भी तरह से इन खबरों को रोकना होगा। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो सोनाली। आज हमारे कार्यकर्ता धरना देने के लिए मंत्रालय पर इकट्ठा हुए हैं ताकि सरकार को जनता की परेशानी के बारे में पता तो चले। ऐसे धरने को भी सरकार कामयाब नहीं होने देती। तुम्हारे प्रदर्शन को विफल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हाँ, सरकार की ओर से एक और खबर आई है। क्या खबर मिली है? सरकार ने जो आपको सिक्योरिटी दी थी अब उन्होंने वो हटा ली है। क्या? ये क्या कह रहे हैं प्रदीप जी? जी हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब है? सरकार तो अच्छी तरह से जानती है कि माजी पर जानलेवा हमला हो चुका है। उसके बाद भी सरकार ने सिक्योरिटी हटा दी तो बड़ी अजीब बात है। सिक्योरिटी सिर्फ मैडम की ही नहीं और भी कई विधायकों की हटाई गई है। समझ भी नहीं आता है ये सरकार की मंशा है क्या? सरकार की मंशा चाहे जो कुछ भी हो लेकिन आप माजी के लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त कीजिए। माजी को बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं निकलना चाहिए ना? इस बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल आप राजवीर के पापा से मिलके आइए। अदालत में जो भी सुनवाई होने वाली है उस सिलसिले में वो आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे मिल लीजिए। जी मैडम, हम आज ही जाकर उनसे मिल लेते हैं। जी। क्या सोच रहे हैं मंत्री जी? त्यागी जी ने कहा वो बात गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ ललन, बात तो सही है लेकिन हम कौन सा कदम उठाएं ये सोचना जरूरी है। मंत्रालय के बाहर ये प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन नहीं है मंत्री जी, ये शारदा देवी का शक्ति प्रदर्शन है। वो मीडिया और प्रशासन को दिखाना चाहती हैं कितनी जनता और कार्यकर्ता उनके साथ है जो उनके इशारे पर मंत्रालय को घेर सकते हैं, मंत्रालय के सामने प्रदर्शन कर सकते हैं और धरना दे सकते हैं। सोचने वाली बात सिर्फ एक ही है ललन कि उनके हाथ में झंडा किसका है, किस पार्टी का है और वो कार्यकर्ता किस पार्टी के हैं। आखिर वो हमारी ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके हाथ में झंडा भी हमारा है। ये तो और भी गलत बात है ना कि शारदा देवी ने उनके हाथों में हमारी पार्टी का झंडा देकर हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। इस प्रदर्शन में धरने और नारे तो हमारे खिलाफ लग रहे होंगे ना, और आपके खिलाफ भी नारे लग रहे होंगे। हाँ ललन, वो अपने क्षेत्र की सुविधाओं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर मैं कार्रवाई करूं तो पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं पर इसका बुरा असर पड़ेगा, उनका विश्वास हम पर कमजोर होगा। और अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो वो लोग न जाने मीडिया वालों से क्या क्या कहेंगे। बदनामी तो आपकी हो जाएगी कि आपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया।
और इसलिए जनता को धरने का सहारा लेना पड़ा। और मान लीजिए कि कल अगर आपने वो सुविधा बहाल कर दी तो ये समझा जाएगा कि उनके प्रदर्शन से सरकार डर गई, वो सुविधाएं आपने अपने मर्जी से नहीं दी। तुम ठीक कह रहे हो। मेरे हिसाब से इस प्रदर्शन को सबसे पहले नाकाम करना चाहिए, बाद में आप मीडिया वालों को जवाब दे सकते हैं कि नाजायज ढंग से अपनी मांग मनवाने की कोशिश की जा रही थी। हमारे लिए सारी जनता बराबर है। ठीक है, कलेक्टर को फोन लगाओ। ठीक है सर, अभी लगा। हेलो कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। जी सर, बात करें। हेलो कलेक्टर साहब, जय हिंद। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? मंत्रालय के बाहर कुछ प्रदर्शनकारी जमा है? अरे अनुमति तो सोच समझ के दिया करो कलेक्टर साहब, बंद करवाओ ये सब। अरे लेकिन किंतु परंतु का चक्कर छोड़िए, ये सब ठीक नहीं है। ये प्रदर्शन धरना वरना बंद करवाओ ये नाटक जल्दी से। बस बस, अब क्या आप हमें बताएंगे कि जनता के पास क्या और कितने अधिकार हैं? जाइए सबको हटाइए वहां से, कह दीजिए कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक नहीं रहा, मंत्रालय के सामने से हटाइए सबको, और जो ना हटे उसे गिरफ्तार कीजिए। ये प्रदर्शन किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। जाइए, समझ गए ना आप मेरी बात? जय हिंद। नमस्ते प्रदीप, बैठो। प्रदीप ये सब क्या हो रहा है? मैं वहां नहीं हूं तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। सर अब हर बात के लिए आपको परेशान करना भी तो उचित नहीं है। आप जब से यहां हैं बस यूं समझिए कि वक्त गुजारने की कोशिश हो रही है। मैंने शारदा से नई पार्टी बनाने के लिए कहा था, लेकिन शारदा ने कहा कि सर अगर आप वहां होते तो नई पार्टी के गठन के बारे में सोचा जा सकता, लेकिन आप मैडम से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो नई पार्टी का गठन भी कर लेगी, उसे खड़ा कर लेगी, उसे चला भी सकती है? अभी अभी तो मैडम ने राजनीति में कदम रखा है। सर आप तो वहां है नहीं, ऐसे में अगर मैडम को नई पार्टी बनानी है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता, और ऐसे में हम और ज्यादा कमजोर हो जाते। सर आज जनता ने जो हमें ये पावर अपने हाथ में दी है, कम से कम वो तो हमारे हाथ में है। आज मैडम मुख्यमंत्री के सामने बैठकर उनसे बात कर सकती है, न चाहते हुए भी मुख्यमंत्री को उन्हें अपना वक्त देना पड़ता है। बस यही सोचकर हमने मैडम को समझाया कि इस वक्त पद और पार्टी से इस्तीफा देना ठीक नहीं होगा। ठीक है, इस बारे में मेरी रिहाई के बाद ही सोचेंगे। रिहाई तो आपकी पक्की है सर। हमारे एडवोकेट ने जो तथ्य दिए हैं उनके आधार पर अदालत को यह मानना ही पड़ेगा कि वो आयोग की रिपोर्ट गलत थी, और आपको जमानत जरूर मिलेगी सर। ठीक है प्रदीप, कल का एक ही दिन है, देखते हैं कि मेरी रिहाई के बारे में सबसे ज्यादा परेशान तो वो होंगे जिन्होंने ये जाल बुना था। खैर आज धरने का क्या हुआ? शारदा ने बताया था कि हमारे क्षेत्र की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय के आगे धरना दिया। जी हाँ सर, हमें जाकर वहां देखना होगा। यहां आने से पहले हमें मैसेज मिला था कि उस धरने को रोकने के लिए पुलिस टीम वहां पहुंच चुकी है। कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया? मुझे भी पता है प्रदीप कि धरने को विफल करने के लिए सरकार के पास एक ही हथियार है, सबकी गिरफ्तारी। जाओ जाकर देखो और बाद में मुझे बताना कि क्या हुआ। जी सर, ठीक है सर,
नमस्कार। राजवीर, नाश्ता कर लो। सोनाली, माँ कहाँ है? घर पे ही है या बाहर गई? मम्मी जी पापा जी से मिलने जेल गई थी और अभी लौटी। लेकिन तुम क्यों नहीं मिलने गए? सोनाली, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? और वैसे भी पापा को मेरा वहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो मैंने किया है ना वो पापा को पसंद नहीं आएगा, और जो वो कहेंगे वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेटर है कि मैं ना ही जाऊं। राजवीर, तुम मुझे इस घर में तो ले आए, लेकिन घर वाले मुझे अभी भी बहू का अधिकार नहीं देना चाहते। इसके लिए ना जाने मुझे क्या क्या करना होगा, कितनी तपस्या करनी होगी। तुम अच्छी तरह जानती हो सोनाली कि माँ को मैंने अपना फैसला सुना दिया है कि अगर सोनाली इस घर से जाएगी तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। अब अगर उन्हें अपनी औलाद प्यारी होगी तो वो तुम्हें अपनी बहू के रूप में अपना लेंगे। लेकिन ये बात तो तुमने मम्मी जी से कही है। पापा जी, पापा जी के बारे में क्या सोचते हो तुम? उनके बारे में क्या सोचना है? वो तो हमेशा अपने अहंकार के घोड़े पर सवार रहते हैं। उन्हें कोई नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ वो लोग चाहिए जो उनकी उंगलियों पर नाच सकते हो। उन्हें उंगलियों पर नाचने के लिए कठपुतलियां चाहिए, और मैंने सोच लिया है कि मैं अब उनकी कठपुतली नहीं बनूंगा। तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन ये बात तुम्हें भी मालूम है कि जल्दी पापा जी जेल से रिहा होकर आने वाले हैं, और उनके घर में आते ही तुम्हें और मुझे लेकर जो भी तूफान खड़ा होगा, मैं चाहती हूँ कि वो तुम पहले ही शांत कर दो। इसलिए पापा जी से जेल में मिलने जा, उन्हें समझाने और मनाने की कोशिश कर। नहीं सुना, पापा को किसी भी बात के लिए समझाया या मनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जुबान से जो शब्द निकलते हैं वो कानून बन जाने चाहिए और लोगों को नियम की तरह उसे मानना चाहिए। उन्हें लगता है कि उनके शब्द पत्थर की लकीर होने चाहिए। पापा को किसी भी चीज के लिए मनाया नहीं जा सकता, हाँ लेकिन मजबूर जरूर किया जा सकता है। अब देखते हैं पापा के वापस आने के बाद वो मजबूर होते हैं या मैं। अगर मैं मजबूर हुआ तो एक ही ऑप्शन है, मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। राजवीर, अगर तुम वहां नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। चलो अब ये सब छोड़ो और नाश्ता करो। ओके। थैंक यू। राजवीर, मैंने मजबूर होकर इस घर से वापस जाने के लिए इस घर में कदम नहीं रखा है। एक बार मैंने दहलीज के अंदर कदम रख दिया तो अब रहना तो मुझे यहीं है, चाहे इसके लिए मुझे जो भी रास्ता निकालना पड़े। मैडम, धरने पर बैठे हमारे सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए। भाई रजनी जी, ऐसा है, ये पूरा मत मानना। देखो, आपका ये बार बार आना ना ऐसे लोगों की नजरों में खटक सकता है। आपको तो पता है वैसे ये त्यागी बदनाम है कि भाई दुनिया कह रही है कि त्यागी जोड़ तोड़ में लगा रहता है। मैं समझती हूँ त्यागी जी, लेकिन अदालत में बलदेव सिंह की जो पेशी होने वाली है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप और मुख्यमंत्री जी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आगे क्या होने वाला है।
कोई कुछ नहीं कह सकता रजनी जी। सरकार को इस बात की चिंता तो होनी चाहिए क्योंकि बलदेव सिंह की रिहाई किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। अब अदालत के फैसले को बदलना किसके हाथ में? क्यों जी? शारदा देवी हमारी पार्टी की विधायक हैं, तो हम खुल के सामने उनका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन आपको करना चाहिए। आप जितना विरोध कर सको करो। वो तो हो ही रहा है, शारदा देवी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए हमसे जो भी हो सकता है वो सब हम कर रहे हैं। वक्त बहुत कम है इस समय, मीडिया भी आजकल एक खबर को बार बार चलाने के मूड में नहीं रहती है। न जाने कितनी खबरें आ रही हैं, मुद्दा बनता है और फिर हवा के झोंके की तरह इमीडिएट गायब भी हो जाता है। मैं समझती हूँ त्यागी जी, राजवीर और उस लड़की को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो खुद ब खुद ठंडी हो जाएंगी। लेकिन बलदेव सिंह को लेकर जो मुद्दा चल रहा है वो ठंडा नहीं होगा जब तक अदालत उसका कोई फैसला नहीं सुना देती। मेरा मानना तो जी ये है कि फिलहाल बलदेव सिंह जी का नाम एक गुजरा हुआ कल है। शारदा देवी चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये नाम आने वाला कल नहीं हो सकता। सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए शारदा देवी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। उनके कार्यकर्ता धरना देने गए हैं, लेकिन ये मेरा चैलेंज है, ये धरना सफल नहीं होगा। जी आचार्य जी, ये हमारे ही क्षेत्र के लोग हैं जो धरना देने मंत्रालय पहुंचे। हाँ मैं मानती हूँ इसमें हमारे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, क्या इसे विडंबना नहीं कहा जाएगा? हमारे ही कार्यकर्ता जनता के साथ धरना देने के लिए मजबूर है। आपको सोचना चाहिए, हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता हमारे ही खिलाफ धरना दे रहे हैं। धन्यवाद। पार्टी ना छोड़ने का फैसला करके आपने कौन सा पार्टी पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया? पार्टी अगर आपकी बात मान लेती तो बात अलग थी, जब पार्टी आपकी बात सुनना ही नहीं चाहती है तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का क्या मतलब है? काश तुम मेरी बात समझ पाती राजवीर। पार्टी में रहकर मैं पार्टी पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, तो पार्टी छोड़कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। आज पार्टी में ये अवधा तो है, पार्टी के अध्यक्ष मुझसे बात करने के लिए मजबूर है और मैं बड़े दावे के साथ उनके साथ बात कर सकती हूँ। अगर मैं पार्टी छोड़ दी तो क्या होता? पहले इस खबर का आना कि आप नई पार्टी बना रही हैं, उसके बाद इस फैसले से मुकर जाना, इसीलिए पार्टी आपको कमजोर मानने लगी। नहीं राजवीर, पार्टी अगर ऐसा सोचती है तो सोचने दो, लेकिन मैंने जो सोचा है वो तो करके रहूंगी। इस पार्टी में रहकर मैं तुम्हारे पापा का खोया हुआ सम्मान दिलाऊंगी और पार्टी वो रुतबा उन्हें जरूर देगी। मैडम, धरने पे बैठे हमारे सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अफसोस की बात है कि अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आपने लाठियां चलवा दी और जो कार्यकर्ता भागे नहीं उन्हें आपने गिरफ्तार करवा दिया। बड़े अफसोस की बात है आचार्य जी कि आप मेरी मजबूरी को सवाल बना रहे हैं। अरे देखना तो ये चाहिए था कि शारदा देवी राजनीति के रंग दिखा रही और ये सब कुछ बलदेव सिंह के इशारे पर हो रहा है। मैडम, धरने पे बैठे हमारे सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्या? जी मैडम, दरअसल हमारे कार्यकर्ता
सरकार के इस दोहरे रवैये के बारे में जनता को बता रहे थे। सभी मीडिया वाले भी आ चुके थे वहां पे। इसलिए सरकार को लगा होगा उसके दोहरे रवैये के बारे में सारे प्रदेश को पता चल जाएगा, इसलिए उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दिया होगा। हाँ मैडम, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन हमारी मजबूरी तो ये है कि हम सामने आकर अपने कार्यकर्ताओं की जमानत की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं, वरना सबको लगेगा कि इसके पीछे हमारा ही हाथ था। लेकिन प्रदीप जी, उन्हें छुड़ाने का बंदोबस्त तो हमें ही करना पड़ेगा ना, आखिर वो हमारे ही तो कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उसमें हमारे क्षेत्र की जनता भी शामिल है, उन्हें छुड़ाना होगा, उन्हें छुड़ाना होगा। प्रदीप जी, आप सोचिए क्या करना है। सिर्फ इस डर से कि हमारे इशारे पर प्रदर्शन हुआ है, मैं उन्हें जेल में नहीं देख सकती। प्रदीप जी, कुछ कीजिए आप। जल्दी कीजिए ताकि रात होने से पहले सबकी रिहाई होनी चाहिए, सबको अपने अपने घर पहुंचना चाहिए। जी मैडम, हम उनकी रिहाई की कोशिश करेंगे। हम एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार आचार्य जी, आई बैठी। भाई मैं ये क्या सुन रहा हूं, बड़े अफसोस की बात है कि अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आपने लाठियां चलवा दी और जो कार्यकर्ता भागे नहीं उन्हें आपने गिरफ्तार करवा दिया। बड़े अफसोस की बात है आचार्य जी कि आप मेरी मजबूरी को सवाल बना रहे हैं। अरे देखना तो ये चाहिए था कि शारदा देवी राजनीति के रंग दिखा रही और ये सब कुछ बलदेव सिंह के इशारे पर हो रहा है। सच्ची बात तो यह है शंकर प्रसाद जी के, जब जनता को उसका अधिकार नहीं मिलता तो वो बगावत पर उतर आती है। अब बगावत का संचालन कौन कर रहा है इसके कोई माने नहीं रह जाते। को देख के मुझे बहुत दुख होता है माँ, फिर भी आप नियम से हॉस्पिटल आती हैं, भाभी को देखती हैं। मुझे कितना दुख होता है ये मैं ही जानती हूँ बेटा, मैं इस दुख से अपने आप को निकालना नहीं चाहती। मैं अपने दिल में इस दुख को जिंदा रखना चाहती हूँ कि मेरी बहू कोमा में पड़ी है, इसलिए मैं बार बार यहाँ आती हूँ।